गुल्ली और बुल्ली आज अपने गार्डन की सफाई कर रहे हैं, क्योंकि आज इनके पास करने के लिए कोई काम नहीं है, तो इन्होंने सोचा कि आज गार्डन की सफाई कर ली जाए। बुल्ली कहता है, गुल्ली मैं देख रहा हूँ तुम अपना काम सही से नहीं कर रहे हो, वहां पर देखो कितनी सारी घास रह गई है। तभी गुल्ली कहता है कि बुल्ली वो मैंने जान पूछ कर छोड़ी है, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि अभी थोड़ी देर में ही अपना पॉटी बॉय शॉन आने वाला है, तो इसीलिए मैंने उसके लिए थोड़ा काम छोड़ दिया है। गुल्ली बुल्ली की ये सब बातें हो ही रही थी कि तभी शॉन दौड़ता हुआ यहाँ पर आ जाता है, और शॉन के हाथ में आखिर ये क्या है। गुल्ली शॉन से कहता है कि शॉन तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, अभी हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। और गुल्ली शॉन से पूछता है, शॉन तुम्हारे हाथ में ये क्या है। शॉन कहता है, बुल्ली इस चीज के बारे में जानकर तुम्हारे होश उड़ने वाले हैं, और गुल्ली तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। गुल्ली कहता है, शॉन ऐसी भी क्या बात है। शॉन बताता है, गुल्ली मैं एक लॉटरी जीत गया हूँ, और देखो उसमें हमें लॉस सैंटोस जाने का टिकट मिला है, और इतना ही नहीं हमें वहाँ पर रहने के लिए घर भी फ्री मिला है। शॉन की ये बात सुनते ही गुल्ली और बुल्ली बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि गुल्ली बुल्ली का हमेशा से ही लॉस सैंटोस जाने का सपना था, और शॉन की वजह से आज ये सपना पूरा होने वाला है। शॉन कहता है, अरे हमारे पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि हमारी कल सुबह की ही फ्लाइट है, चलो जल्दी से अपना सामान पैक कर लेते हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन तीनों अपना सामान पैक करने के लिए घर के अंदर भागते हैं, ताकि कल सुबह ये टाइम से अपनी फ्लाइट पकड़ सके। रात भर सोने के बाद सुबह होते ही गुल्ली बुल्ली और शॉन तैयार होकर घर के बाहर आ जाते हैं, और अपनी गाड़ी पर बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही गुल्ली बुल्ली और शॉन अपनी फ्लाइट पकड़कर लॉस सैंटोस के लिए रवाना हो जाते हैं। और अब जब ये प्लेन लैंड करेगा तो गुल्ली बुल्ली और शॉन लॉस सैंटोस में होंगे। शॉन अब जल्दी से अपने नए घर का एड्रेस भी बता दो, चलकर जल्दी से अपना नया घर भी देख लेते हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन एक टैक्सी वाले को रोकते हैं और इसे बता देते हैं कि इन्हें कहां पर जाना है। और कुछ ही देर में ये टैक्सी वाला गुल्ली बुल्ली और शॉन को इनके नए घर पर ले आता है, और गुल्ली बुल्ली और शॉन टैक्सी से उतरकर अपने नए घर के अंदर जाने लगती है। गुल्ली कहता है, बुल्ली मुझे नहीं लग रहा था कि हमें फ्री में इतना बढ़िया घर मिल जाएगा। गुल्ली कहता है, हाँ गुल्ली मुझे भी ऐसा बिल्कुल नहीं लगा था, शॉन की लॉटरी ने तो हमारे दिन ही बदल दिए। और फिर गुल्ली शॉन से कहता है, शॉन तुम्हें ये घर कैसा लग रहा है। लेकिन ये क्या, शॉन का ध्यान तो गुल्ली की तरफ है ही नहीं। गुल्ली कहता है, बुल्ली शायद शॉन लॉस सैंटोस की ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देख रहा है, इसीलिए उसका ध्यान हमारी तरफ नहीं है।
गुल्ली शॉन के पास आता है और कहता है, शॉन आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? शॉन बताता है, बुल्ली मैंने अभी एक ज़ॉम्बी को देखा, वो उस रोड से दौड़ता हुआ उस घर के पीछे गया है। बुल्ली कहता है, अरे शॉन ये लॉस सैंटोस है, यहाँ पर तो लोग ही ऐसे कॉस्ट्यूम्स पहनते रहते हैं, हो सकता है कोई ज़ॉम्बी का कॉस्ट्यूम पहन के निकला होगा। और चलो शॉन अब रात होने वाली है, चलो अब जल्दी से सो जाते हैं और सुबह उठते ही हमें लॉस सैंटोस की सैर करनी है। और फिर गुल्ली बुल्ली और शॉन सो जाते हैं क्योंकि अब सुबह इन्हें पूरे लॉस सैंटोस की सैर करनी है। तो दोस्तों अब क्या होगा अगली वीडियो में, क्या गुल्ली बुल्ली और शॉन लॉस सैंटोस की सैर कर पाएंगे या फिर ये किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में जो कि मैं बहुत जल्द इस चैनल पर अपलोड करूंगा। तो इस वीडियो का अगला पार्ट देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें जिससे कि आपको अगला पार्ट अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा।